फ्रेंड्स, हाल ही में एक खबर निकल कर आई है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर हाईवे से पास होगा और इसे फोर फेज में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका डिजाइन अब तय कर लिया गया है। और इस एक्सप्रेसवे पर 16 लेन का टोल प्लाजा को भी बनाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के डिजाइन को फाइनलाइज्ड कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे का जो डिजाइन है वो मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया है। और इस एक्सप्रेसवे का जो डिजाइन है, जैसे कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, इस एक्सप्रेसवे पर कौन कौन सी फैसिलिटीज पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी और भी काफी सारी फैसिलिटीज इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद होंगी, जिसकी डिजाइन इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिजौली से यह एक्सप्रेसवे शुरू किया जाएगा और यह एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर हाईवे के ऊपर से गुजरेगा। साथ ही 1 किलोमीटर का सर्कल भी बनाया जाएगा और इसके फर्स्ट फेज में ही मेरठ को इंक्लूड किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के इनिशियल और फाइनल सेंटर पर 16 लेन का टोल प्लाजा भी बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर में बनाया जाएगा। साथ ही गाँव को कनेक्ट करने वाली रोडों पर किलोमीटर के बेसिस पर अंडरपास की फैसिलिटीज भी दी गई है और यह एक्सप्रेसवे नदियों और रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरेगा। अब बात करें इस एक्सप्रेसवे पर पैसेंजर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो यहाँ पर कार पार्किंग, बस पार्किंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फूड आउटलेट, ढाबे, पानी पीने के बूथ, टॉयलेट जैसी काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। और इन फैसिलिटीज को हाईवे पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 250 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी जगह भी ली जाएगी और इस एक्सप्रेसवे को काफी ज्यादा सुंदर और वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सप्रेसवे के साथ साथ पोल्यूशन को भी ध्यान में रखा गया है। हमारी इंडिया में पेट्रोल की खपत और पोल्यूशन को देखते हुए यूनियन मिनिस्टर नितिन जी ने कहा, इथेनॉल बनाओ, राइस कट से इथेनॉल बनाओ और गन्ने के जूस से अभी मोलासेस से इथेनॉल बनाओ, तो पेट्रोल डीजल को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इथेनॉल पर हमारी गाड़ियाँ चलेगी, हमारी स्कूटर चलेगी, हमारे इंजन चलेंगे, हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, कार चलेगी। मैंने अब ये निर्णय किया है कि 6 महीने के अंदर चाहे BMW, मर्सिडीज और कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, फोर व्हीलर, अब ये 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी।